तो दोस्तों अभी मैं आपको कहने वाला हूँ कि आप लोग फ्री फायर में एक भी मैच हारने वाले नहीं हो। आप लोग हर मैच बुरा निकालोगे, हर मैच। तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? नहीं गाइस, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं आप लोग के लिए एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूँ जो आपको अनलिमिटेड एचपी देगा, एंड आप लोग उस कैरेक्टर के हेल्प से सारे मैच जीतने वाले हो। आप लोग हर मैच में बोया निकालने वाले हो। तो अब आपको लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग कैसे नहीं मरेंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पे समझो, जब आप एनिमी से फाइट लोगे तब गाइस आपका कुछ न कुछ एचपी लॉस जरूर होगा। तो गाइस उसी समय से आपका एचपी भरना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अलग से मेडकिट बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि गाइस मैं आपके लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर के आया हूँ जो आपको अनलिमिटेड एचपी देगा। जब तक आप गेम खेलते रहोगे तब तक गाइस आपका एचपी देता रहेगा। तो क्या है वो कॉम्बिनेशन, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, एंड वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ओके तो गाइस हम सबको पता है कि फ्री फायर में कोई भी कॉम्बिनेशन करने के लिए हमको 3 पेजेस स्लॉट को भरना पड़ता है, एंड एक एक्टिव स्किल को भी रखना पड़ता है जो उन तीनों कैरेक्टर से बेस्ट होगा। तो एक्टिव स्किल में आपको रखना है के कैरेक्टर की एबिलिटी को। इसकी एबिलिटी तो आप सब बंदों को पता होगी लेकिन मैं फिर भी आपको बता ही देता हूं। तो के कैरेक्टर की एबिलिटी है कि ये 2 सेकंड में 3 EP स्टोर करता है, एंड गाइस जब आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है तो ये आपको 6 HP पर सेकंड रिकवर करता है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि के कैरेक्टर कैसे काम करता है। आप लोग यहां पे देखो, अभी के कैरेक्टर 2 सेकंड में 3 EP स्टोर करता है, एंड अभी देखो यहाँ पे मुझे डैमेज थोड़ा पड़ा है, तो यहाँ पे देखो ये 6 HP पर सेकंड मुझको रिकवर कर रहा है। तो के आपको इस तरह से हेल्प करेगा CS रैंक में। तो आपको एक्टिव स्किल में रखना है के कैरेक्टर की एबिलिटी को। तो अब हम लोग बात करते हैं पेज स्लॉट के बारे में। तो आपको फर्स्ट पेज स्लॉट में रखना है जोटा कैरेक्टर की एबिलिटी को। जोटा की एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़िया है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, अगर आप लोग इनेमी से फाइट ले रहे हो एंड आपको थोड़ा सा भी डैमेज पड़ रहा है तो आप इनेमी को डैमेज दे रहे हो तो आपका HP बढ़ेगा, एंड अगर आपसे इनेमी नॉक डाउन हो गया तो आपका HP का 20% आपको वापस रिकवर हो जाएगा। जैसे मेरा HP अभी 200 है एंड मैं भी इनेमी से फाइट ले रहा हूँ और मैं थोड़ा डैमेज भी हो गया, तो इनेमी अगर मुझसे नॉक डाउन हो गया तो हमको 40 HP मिलेगा। तो आप लोग समझ सकते हो, आपको यहाँ पे मेडकिट बांधने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग फाइट लेते लेते ही आपका HP भर जा रहा है। तो आपको तो समझ आ गया होगा कि जोटा कैरेक्टर क्या काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड पेज स्लॉट के बारे में। तो आपको सेकंड पेज स्लॉट में रखना है फोर्ट कैरेक्टर की एबिलिटी को। फोर्ट की एबिलिटी तो आप सबको पता होगी क्योंकि फोर्ट की एबिलिटी चेंज हुई है OB39 अपडेट के बाद। तो अगर आपको पता है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो फोर्ट की एबिलिटी की अगर आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है, लाइक आपको इनेमी भी डैमेज कर रहा है या फिर आप कहीं से कूदते हो तो आपको डैमेज पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको फोर्ट कैरेक्टर 30 HP देगा। तो फोर्ट कैसे काम करता है आप लोग यहाँ पे समझो। तो कैसे, अगर आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है तो फोर्ट कैरेक्टर आपको 10 HP पर सेकंड फास्ट रिकवर करता है, एंड फोर्ट को कूल डाउन होने में 20 सेकंड का टाइम लगता है, उसके बाद फिर ये आपको वापस से रिकवर करने लग जाएगा। एंड कैसे फोर्ट कैरेक्टर की एबिलिटी आलोक कैरेक्टर से काफी ज्यादा अच्छी है, ये तो आपको पता ही होगी। ओके तो हम लोग बात करते हैं थर्ड पेज स्लॉट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट SMG गन कौन सा है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट SMG गन कौन है। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड पेज स्लॉट के बारे में। इसमें आपको लियोन कैरेक्टर की एबिलिटी को रखना है। लियोन की एबिलिटी तो आप सबको पता है लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। तो लियोन की एबिलिटी की अगर आपको कहीं से भी डैमेज पड़ता है तो ये आपको 60 HP प्रोवाइड करता है। तो लियोन की एबिलिटी काम कैसे करता है आप लोग यहाँ पे समझो। अगर आपको कहीं से भी डैमेज पड़ेगा तो लियोन आपको 4 HP पर सेकंड प्रोवाइड करेगा 15 सेकंड के लिए। मतलब आपका लियोन 60 HP रिकवर करने में 15 सेकंड का टाइम लेगा। एंड आप लोग को मैं अभी एक बोनस टिप देता हूँ। आपके पास अगर के और फोर्ड दोनों एक साथ है तो गाइस आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो कि फोर्ड कैरेक्टर को चार्ज होने में 20 सेकंड का टाइम नहीं लेगा, ये केवल 3 सेकंड में चार्ज हो जाएगा। तो वो ऐसे काम करता है, अगर आपका फोर्ड कैरेक्टर आपको 30 HP दे चुका है तो आप लोग के की स्किल को चेंज कर दो। मतलब अगर आपका के HP मोड में है तो आप लोग इसको AP मोड में कर दो। तो जैसे ही इसका स्किल रिसेट होगा फोर्ड तुरंत चार्ज हो जाएगा, आपको 20 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, तुरंत 1 सेकंड के अंदर चार्ज हो जाएगा आपका फोर्ड कैरेक्टर। तो अगर आप लोग ये 3 कॉम्बिनेशन का यूज करते हो एंड लास्ट वाले टिप्स को यूज करोगे तो आपको मेडकिट का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग मेडकिट अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो। तो गाइस ये रहा हमारा अनलिमिटेड HP कॉम्बिनेशन, आपको कैसा लगा इस कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।